सब्सक्राइब कीजिए अमीना बुटीक चैनल को और क्लिक कीजिए बेल आइकन पे ताकि हमारी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। हेलो फ्रेंड, अमीना बुटीक में आपका एक बार फिर स्वागत है और आज मैं आपको सिखाऊंगा फ्रंट नेक डिजाइन। ये हमारा नेक डिजाइन होगा डोरी वाला, जिसमें दो कलर के कपड़े लेंगे और कमीज के कपड़े के साथ कंट्रास्ट करके बनाएंगे और उसमें बहुत बढ़िया तरीके से मैं आपको बताऊंगा कि किस हिसाब से आप इसको बनाएंगे इजी वे। ठीक है, तो आप ये सब सीखने के लिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, हम सबसे पहले बुकरम लेते हैं। बुकरम ये हमारे, इसकी चौड़ाई 9 इंच होती है या 9.5 इंच, जैसे कि आप रख सकते हैं कुछ भी। ठीक है, इसको हम फोल्ड कर लेते हैं, सेंटर में क्रीज बना लेते हैं। क्रीज बनाने के बाद मैं आपको बताऊंगा गला कैसे काटना है। तो मैं जो गला काटने जा रहा हूँ वो पाइपिंग वाला है, तो हम इसको पहले एक निशान लगा के कम से कम हम इसको 6.5 इंच के आसपास एक निशान लगाएंगे। ठीक है, 6.5 इंच के बाद हम निशान लगाएंगे 1.5 इंच पे। ठीक है, अब 1.5 इंच के बाद हम यहाँ से लगाएंगे, पहले जो हमारा ब्रॉड है उतना ब्रॉड लेंगे। हमारा ब्रॉड है 6.25 इंच, तो 3 इंच एक सूत पे निशान लगा लिया हमने कम पे। ठीक है, इस हिसाब से हम अपने ब्रॉड का निशान लगाएंगे, फिर नीचे से ऊपर तक सीधा करेंगे। ठीक है, गले का डीप है हमारा 7.5 इंच, तो हम इसको 8 इंच ले लेंगे या 8.25 ले लेंगे। ठीक है, जब ये निशान लगाएंगे तो हमारी जो ये शेप आएगी वो देखिए, ये हमारी ये 5 शेप जैसी शेप आएगी। ठीक है, जो हम इसे बनाएंगे वो बनाएंगे, अब यहाँ पर आप देखिए किस हिसाब से हम ड्राइंग करते हैं गले को। ठीक है, यहाँ से हम 1 इंच इस हिसाब से निशान लेंगे। सबसे पहले हम इसको कट कर लेते हैं। ठीक है, देखिए हमने कट कर लिया। अब कट करने के बाद ये जो हमारा ये निशान आएगा, हम इस निशान से गोलाई देंगे, इस शेप में देंगे। ठीक है, तो हम इस हिसाब से यहाँ से लगा के दिखाते हैं आपको, जिससे कि आप देख पाए ढंग से। हम इसको इंची टेप की मदद से भी आप निशान लगा सकते हैं नाप की, अगर आपका अंदाजा ओके है तो आप उस हिसाब से भी लगा सकते हैं। ठीक है, ये देखिए कट करने के बाद जब हम इतना कट कर लेंगे तो हम थोड़ी जगह यहाँ पाइपिंग के लिए देंगे, जो हम डोरी वाली पाइपिंग लगाएंगे। तो हम यहाँ नीचे से इसको इस हिसाब से ऐसे कट करेंगे हल्का सा, और पाइपिंग जितनी हम जगह लेके हम इसको सीधा कट करेंगे। ठीक है, ये देखिए, ये आपका एक पैटर्न निकल आया बीच में, जो कि हमारा डिजाइन का पैच होगा, फंसेगा। ठीक है, ये निकल आया हमारा गला, जो कि हम उसमें जमाएंगे, इसमें डोरी वाली पाइपिंग निकालेंगे। ठीक है, इसे हम कैसे बनाते हैं और किस हिसाब से हम इसका गला काटते हैं, तो ये मैं आपको मशीन पे दिखाऊंगा। बाकी आप इस पर इसके जो साइड वाला हिस्सा है इसको काट लेंगे। ठीक है, जितना हमें काटते हैं हमेशा इस हिसाब से पूरे में काट लेंगे। तो देखिए दोस्तों, ये जो हमारी मैं आपको दिखाया, मैंने ये डोरी बराबर जो हमने नीचे तक काटा है, हम इसको काटेंगे एक पैंच में। ये हमारा बिल्कुल फिक्स गला तैयार है, तो हम इसको काटेंगे, या तो पेपर पेस्टिंग लेंगे। तो मैं लेता हूँ गले के लिए, ये हमारी 2666 है। आप किसी दुकान पे जाके मटेरियल की बोलेंगे कि हमें 2666 चाहिए, तो ये आपको मिल जाएगी। ठीक है, आप ये कपड़ा यूज़ करेंगे। अगर ये देखें आप, ये शाइनिंग है, यहाँ से हम चिपकाते हैं इसको, पीछे साइड पे हम निशान लगा के इसको काटते हैं। ठीक है, तो ये शाइनिंग वाली आप 2666 नाम ध्यान रखें, और जाके आप बोलेंगे दुकान की हमें 2666 चाहिए पेस्टिंग, तो वो आपको दुकानदार दे देगा। ठीक है, तो ये हम इस्तेमाल करते हैं। इसका फ़ायदा ये है कि अगर आप कोई भी गला डिजाइनिंग बनाते हैं तो आपका उसमें देखो कपड़े की तरह बिल्कुल, ये धोने के बाद ना ये सुकड़ता नहीं है। अगर हम बुकरम का बना देंगे तो वो धोने के बाद सुकड़ जाएगा, लेकिन ये चीज़ सुकड़ती नहीं है, तो इस चीज़ का आप ख्याल जरूर रखें। और अब हम इसको इस हिसाब से बिछा के, जो हमारा गला है, हम गले को भी इस हिसाब से बिछाएंगे बिल्कुल सही। ये शाइनिंग वाली तरफ निशान नहीं, दूसरी तरफ निशान लगाना है। ठीक है, शाइनिंग वाली नीचे हमारी, तो हम इसको इस हिसाब से करने के बाद इसको पूरा ड्राइंग करके पेन की मदद से पूरा का पूरा ड्राइंग कर लेंगे और इसको कट करेंगे। कैसे कट करेंगे वो आपको बताता हूँ, पहले हम निशान लगाते हैं, इस हिसाब से हम निशान लगा लें। तो देखिए दोस्तों, ये हमने इस हिसाब से पूरा का पूरा निशान उठा लिया, नीचे तक देखो ये हमने निशान उठा लिया। अब हम इसमें क्या करेंगे, हम इसमें जो हमारा ये वाला गले वाला हिस्सा जो हमारा दिखेगा, हम इसको फिक्स काटेंगे इस हिसाब से। पहले हम सीधा कर लेते हैं ऊपर वाला हिस्सा। ठीक है, ये फिक्स हो गया, और सिर्फ इसकी जो सेप होगी हम ये फिक्स काटेंगे। उसके बाद ये वाला जितना भी गला है ना, ये हम
पूरा का पूरा बढ़ा के काटेंगे जो कि हम गले में फंसाएंगे। ठीक है, तो हम इसे फिक्स काटते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये हमने बिल्कुल फिक्स काट लिया। आप एक चीज़ का ख्याल जरूर रखेंगे, ये जो आप सेब काटेंगे ना, ये हमारी बिल्कुल गले की सेफ है, तो टेढ़ी मेढ़ी नहीं होनी चाहिए। तो आप जब इसको काट लें तो एक बार इस हिसाब से करके नाप के देख लें कि हाँ भाई बिल्कुल ओके बैठा है या नहीं। ठीक है, पहले या तो निशान ओके होंगे तो आपके देखो बिल्कुल ओके है, जब निशान ओके होंगे तो आपका बिल्कुल ओके ही बैठेगा। फिर हम इसको अब जमाएंगे अपने कपड़े पे, जिस जो कपड़ा हम कंट्रास्ट लेंगे। ठीक है, तो हम कंट्रास्ट हमारा ये होगा ऑरेंज कलर का। तो देखिए दोस्तों, ये कपड़ा हम लेंगे जिस पे कि हम उसको पैच को जमाएंगे। ठीक है, जो दिखाएंगे हम, तो फिर प्रेस से पहले से साफ़ करेंगे कपड़े को। ये प्रेस से साफ़ करने के बाद हम जो हमने गला काटा था उस गले को हम इस हिसाब से बिछाएंगे। देखिए नीचे तक तो अच्छी तरह बिछाने के बाद, ठीक है, पहले आप देख लें गले को बिल्कुल फलके ना, बिल्कुल जब सही से हो जाए तो एक तरफ से नीचे की तरफ से आप चिपका लें, एक तरफ से शुरुआत करें कहीं भी। ठीक है, एकदम मत रखना वरना पेस्टिंग होती है हमेशा सुकड़ जाती है, इस चीज़ का ख्याल रहे, क्योंकि ये सुकड़ की तो ये है फिक्स गला, हमारी दिक्कत हो जाएगी हमें बनाने में। तो ये देखिए इस हिसाब से आपको एक जगह बिठाना है, जब ये आपका एक साइड का बैठ जाएगा ना आराम से, फिर दूसरी साइड को भी आप आराम आराम से इस हिसाब से बिठाएंगे। अब जब ये आपका बैठ जाएगा तब आप एक बार प्रेस रखें, और मैं आपको बताऊं कभी भी पेस्टिंग चिपकाएंगे तो ऐसा फुट्टा हो छोटा कोई भी, तो आप इस हिसाब से रखें और फुट्टे को इस हिसाब से बराबर से लेते हुए आएँ। इससे क्या होता है, आप हाथ रखेंगे तो गर्म होने की वजह से आपके हाथ जलेंगे, लेकिन आप फुट्टे की मदद लेंगे तो इससे आपकी जो पेस्टिंग है ना एकदम सही से चिपक जाती है। ये देखेंगे इस टाइम पर पेस्टिंग हमने कर दी और ये बहुत ही बढ़िया तरीके से चिपक चुका है। ठीक है, चिपकने से क्या होगा, दूसरी तरफ एक शाइनिंग पता चल जाती है। तो ये हमारा चिपक चुका है, अब हम इसको बनाएंगे और मशीन पे चलते हैं और मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे बनेगा अच्छे डिजाइन में। तो देखिए दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा, ये जो हमने पहले तो फिक्स काट लिया था, लेकिन अब जो ये पैन वाला इंसान है, हम पैन वाले निशान पर एक सिलाई चलाएंगे जिससे कि दूसरी तरफ कपड़े पर निशान उड़ जाए। तो हम इसमें सिलाई लगाना स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, ये हमने ये आप सिलाई देख रहे होंगे, ये हमारा निशान उड़ गया, ये इतना फोल्ड हो जाएगा, ये फिक्स दिखेगा हमारा इतना। तो ये हम सिलाई लगा लेंगे, इससे हमें क्या होता है दिक्कत नहीं होती, बार बार चौक का निशान लगाने से इधर उधर हो जाता है, लेकिन हम पैन पे निशान पे अगर चला देंगे तो ये हमारा बिल्कुल फिक्स पैटर्न उतर जाता है। हर हमेशा पैच वाले डिजाइन में आप इसी हिसाब से करें, ये आपके लिए बहुत आसान रहेगा। अब हम इसको जो हमारा ये गला, हम इसे पलटते हैं फिक्स। तो दोस्तों, ये हमारा व्हाइट वाला कपड़ा जो है, हमें ये वाले कपड़े पे हम अंदर पलटना है बिल्कुल फिक्स। तो हम उसके लिए हम कपड़ा लेंगे और उसको मिलाने के बाद हम जैसे कि आम गला पलटते हैं कमीज़ में, वैसे ही पलट के सिलाई लगा लेंगे। तो जब हम ये सिलाई लगा लेंगे उसके बाद हम इस तरफ, ये देखो ये हो रहा है ना, ये कपड़ा आ गया। अब हम इसको इधर सिलाई लगा के इस कपड़े को पक्का कर लेंगे। अब हम जो भी फालतू कपड़ा होगा हम इसको छांट लेंगे। जो देखिए दोस्तों, दूसरी तरफ हमने उठा लिया तो हमारा ये बुकन वाला हिस्सा छुप गया। ठीक है, ये हमारा गला तैयार है। अब हम इसमें लगाएंगे डोरी वाली पाइपिंग। तो हमने ये पाइपिंग पलट रखी है, मैंने पहले भी दिखाया कई वीडियो में पाइपिंग कैसे बनाते हैं। तो ये वाला हिस्सा जो हमारा कच्चा वाला हिस्सा है, ठीक है, ये हमारा कच्चे वाला हिस्सा है और इस तरफ हमारी पाइपिंग है। तो ये देख रहे हैं आप कपड़े, ये कच्चा हिस्सा है, तो हम इसको इस हिसाब से रख के इस पर सिलाई लगा के इस पाइपिंग को लगाएंगे। देखिए दोस्तों, जब हम किनारे पे आएंगे तो हम इसको थोड़ा नीचे से काट लेंगे, क्योंकि हम यहाँ पे डोरी को घुमा नहीं सकते। फिर हम इसको इस हिसाब से रखेंगे। इस हिसाब से रखने के बाद ये आप देखिए,
और कितनी बड़ी बढ़िया और प्यारी सी नोक निकल आई। ठीक है, इसको हम सिलाई लगा लेंगे हम। तो ये देखिए, ये हमारी पाइपिंग निकल गई बहुत बढ़िया। ठीक है, अब हमारे जो दूसरी तरफ देखेंगे, ये हमारा ये हल्का हल्का उठ रहा है। अगर किसी को ऊपर की तरफ एक सिलाई नहीं मारनी तो आप यहाँ पे एक तुरपाई कर लें, लेकिन अगर आपको तुरपाई नहीं करनी तो आप यहाँ पर एक सिलाई लगा सकते हैं एक पैर की। तो ये देखिए आप, ये हमारा पैटर्न तैयार हो चुका है। दो सिलाई लगने का हमारा अंदर से भी बिल्कुल फिनिशिंग से बैठ चुका है। ठीक है, जो भी हल्का फुल्का होगा हम इसको काट लेंगे। ये देखिए, काटने का ये एकदम फिनिशिंग से बैठ चुका है, अंदर भी फिनिशिंग और बाहर भी फिनिशिंग। ठीक है, ये हमारा इस हिसाब से गला बन चुका है। अब हमें इसमें गला बना के उसे पाइपिंग निकाल के उसमें अटैच करना है, तो हम पहले उसके लिए धागा चेंज करेंगे। तो देखिए दोस्तों, ये हमारा गला है, हम पहले इसको गले को जमाएंगे जैसे कि हम हर गले को जमाते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पर गहराई में इसके कुटके लगाएंगे। अब हम इसको पलटेंगे जैसे कि हर गला पलटते हैं। जब आपका ये हो जाएगा तो आप इसको इस हिसाब से कर दें और एक सेंटर में क्रीज बना लें। ठीक है, ये क्रीज आपकी बन गई। ठीक है, अब आप इसमें, ये हमारी कमीज़ है, हम इस कमीज़ में एक सेंटर की क्रीज हमारी बनी हुई है प्रेस से पहले, कि बिना प्रेस के मैं कटिंग नहीं करता। ठीक है, ये आपके ये नाखून, आप जब भी ऐसे करके नाखून लगा लें जिससे कि एक हल्की क्रीज आ जाएगी। और आप गला जो बनाएंगे, गले का एक चीज़ का ध्यान रखें, डबल में हमने गला काटा था वो बढ़ता हुआ गला है। ठीक है, तो इस चीज़ का खास तौर पर ध्यान रखें। गला हमारा ये पैटर्न था हमारा जिसका हमने उतारा था, तो हम इसको इस कुटके से इस हिसाब से रखेंगे, तो हमारा ये इस हिसाब से आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर तो हम इसको यहाँ पे कुटका लगाएंगे। ठीक है, यहाँ कुटका लगाने के बाद अब हम इसको डिजाइन बनाएंगे, इस कुटके पे हमारा गला पलटना है। ठीक है, तो हम इसको खोलेंगे, खोलने के बाद हम उस कुटके तक इसको ऐसे करके मिलाएंगे। ये देखिए, मिल के आ गया। ठीक है, और हम इसको सेंटर से मिला के हम इसको हर गले की तरह इसको नॉर्मल जमा लेंगे। अब हम इसको वैसे ही जमाएंगे जैसे कि हर गला इसको जमाते हैं और पलटते हैं, तो हम इसको सिलाई लगाते हैं। अब और इसके ऊपर एक लब की सिलाई मारेंगे। लब की सिलाई कहते हैं हम जो किनारे पे लगती है उसको हम लब की सिलाई कहते हैं। तो हम इसके अब लब की सिलाई मारेंगे। तो देखिए दोस्तों, ये हमने इस पे इस हिसाब से सिलाई लगा ली। अब हम इसमें भी पाइपिंग लगाएंगे जैसे कि हमने उसमें लगाई थी। तो ये हमारी पाइपिंग का कपड़ा है, हमारा ये अंदर वाला हिस्सा है, हम इसको इस हिसाब से रखेंगे और इसमें भी हम पाइपिंग लगानी स्टार्ट करते हैं। देखिए, जहाँ पर हम नीचे की तरफ में आएंगे हम इसको भी इस हिसाब से काट लेंगे, क्योंकि हमारा ये ऊपर की तरफ वापस नहीं जाएगा।
तो देखिए दोस्तों, ये हमने इसमें पाइपिंग लगा ली। अब हमें इसमें फाइनल काम करना है, पैंच जमाना है। तो हम नीचे की तरफ में जाएंगे पहले और इसको हम फिनिशिंग कर लेंगे। ठीक है, हमने पाइपिंग फिनिशिंग कर ली। अब हल्की हल्की जो पाइपिंग घूम रही है इसमें हम कट भी लगा लेंगे, ये गोलाई पे घूम जाती है अक्सर। ठीक है, तो इस दो कट लगाएं, ओके बैठ जाएगा। अब दूसरी तरफ भी देखेंगे, दूसरी तरफ वाला ओके बैठा है, इसमें लगाने की जरूरत नहीं है आपको। ठीक है, तो अब ये देखिए हम इसमें कैसे जमाएंगे, मैं आपको इसमें बता रहा हूँ। एक पॉइंट है, इसका ध्यान रखना, हमने तो गला काटा था, तो आप पाइपिंग की सिलाई है जो हम इस हिसाब से नहीं जमाएंगे। ये जो हम जमाएंगे कमीज वाला पल्ला है ना, कमीज वाले पल्ले को सिलाई पर रख के जमाएंगे, क्योंकि हमने उसी हिसाब से बुकरम काटी थी। आप पाइपिंग के हिसाब से लेके मत जाना, वरना ये आपका एक सूत बढ़ जाएगा, और एक सूत का बढ़ने का मतलब है आपको काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होगी, आप गला नहीं जमा पाएंगे। ये आपकी पॉइंट है, जरा सी ध्यान रखना। तो ये हम कमीज वाला हिस्सा इस सिलाई के ऊपर रखेंगे ऐसे करके। ठीक है, अब इसको हम जमाते हुए चले जाएंगे, हमारा गला बन जाएगा। तो ये देखिए दोस्तों, ये गला बन चुका है। अब हम इसके ऊपर इधर एक सिलाई और लगा लेंगे, जिससे कि हमारा जो पैच है वो जम जाए सही से, मजबूती से। गला काटने के बाद ये हमारा गला बन चुका है। चलिए काउंटर पे मैं आपको दिखाता हूँ कैसा बना। तो दोस्तों ये देखिए, हमारा ये बहुत बढ़िया तरीके से डिजाइन बन चुका है और बहुत मजबूती से। ठीक है, मैंने आपको बताया था पेपर पेस्टिंग, तो अगर आप इसको मोड़ भी देंगे ना, ठीक है, ये देखिए मोड़ भी दोगे आप इसको, तो ये आपका कपड़ा है, कपड़े की तरह है, ये आपका सिलिंग नहीं होगा बिल्कुल भी। ठीक है, बुकरम लगाओगे आप तो सिलिंग हो जाएगा। अगर आप कोई भी चीज़ बना रहे हो, ठीक है, तो आप उसको इस तरीके से बनाओ कि वो आपको लगे कि हाँ भाई बहुत प्यारा। ये देखिए आपके हिसाब से हमने बना के दिखाया है। तो मैं गला बनाता हूँ, उसमें थोड़ा बहुत टाइम बेशक लगे, लेकिन मैं उसमें बताता हूँ बारीकी आपको, जिससे कि आपको फ़ायदा हो। आगे आप पैच वाले गले बनाएंगे हमेशा ऐसे। और ये देखिए, इसमें आप एक चीज़ और कर सकते हैं, क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा डिमांड में है बटन, तो हम बटन लगा सकते हैं, हम पाइपिंग के कलर के बटन इस हिसाब से हम इसमें रखेंगे, तो ये और अच्छा लगेगा गला। ये देखिए, ये हमने रख के दिखाया आपको। ठीक है, ये मैं बाद में लगा दूंगा जिस, ठीक है, ये इस हिसाब से आप रखोगे तो ये बहुत ही प्यारा एक लुक आएगा इस गले का। तो आप इस हिसाब से बनाया करें तो ये आपके बहुत ही अच्छे बनेंगे। तो दोस्तों ये था डिज़ाइन, फ्रंट नेक डिज़ाइन है ये, आप इसको बनाएं। ठीक है, और आप बना के मुझे ज़रूर बताएं कमेंट्स में कि कैसा बना। और मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, अभी रमज़ान चल रहे हैं, तो ये हमारी वीडियो लास्ट होगी, इसके बाद मैं कुछ लेके आऊँगा आपके लिए नया, शायद मैं आपके लिए चार्ट लेके आऊँगा, जो कि 30 से 50 तक मैंने भी आपको गले डीप के बताए थे, लेकिन कॉलर के वाले में नहीं, कॉलर वाले सूटों के बारे में नहीं बताया था कि उसकी लेंथ कितनी होगी और उसमें किस हिसाब से हम उसका फ्रंट वगैरह रखेंगे। तो वो चीज़ मैं लेके आ सकता हूँ, और ब्लाउज का भी लेके आऊँगा चार्ट, क्योंकि इसमें बहुत कम टाइम मिलता है मेरे को रमज़ान में, और रमज़ान अब 20 के आसपास रह गए हैं, तो बस आप थोड़ा वेट करें, मैं जल्दी ही मतलब फ्री होने के बाद आपके लिए बढ़िया बढ़िया कटिंग, बढ़िया बढ़िया चीज़ें लेके आऊँगा, क्योंकि अभी बहुत सारी पेंडिंग में पड़ी हैं चीज़ें, बस टाइम नहीं मिल पा रहा दोस्तों, इसलिए मैं थोड़ी डिजाइनिंग और आपके लिए, लेकिन जो चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ ब्लाउज के बारे में और कमीज़ के बारे में, वो चीज़ ऐसी है कि आपके क्वेश्चन काफ़ी ख़त्म हो जाएंगे। उसके साथ ही मैं पैंट प्लाजो के बारे में बताऊंगा कि आप कितना आसन रखेंगे, कितना वो रखेंगे पेपर के साथ, और कटिंग करके भी मैं आपको बताऊंगा इन तीनों चीज़ें के बारे में। तो आप मेरे साथ बने रहें, और अगर आप मेरे वेबसाइट पर पहले विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करके हमें, सब्सक्राइब और लाइक करके हमें सपोर्ट जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।